मैं काला वाली मंडी के अंदर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप काला वाली मंडी में गुरुद्वारा साहिब देख रहे हैं। आइए हम काला वाली मंडी के लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी चुनावी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। यहां देखेंगे आपको, यहां एक हरे के चारी की टाल है और इसी के साथ एक युवा साथी है। जी राम राम, नमस्कार। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है दोस्त अपना? मेरा नाम बंटी कुमार है। बंटी कुमार, क्या लगता है इस बार आपको काला वाली के अंदर कमल का फूल खिलेगा या हाथ का पंजा चलेगा? नहीं, कमल का फूल ही खिलेगा। कमल का फूल क्यों? लग का फूल खिला ही नहीं है विधानसभा कालावाली में। नहीं, अब खिलेगा इतनी। तो आइए इनसे और जानते। जी सर, आपका नाम? जी धनपत है जी। मेरा नाम धनपत जी। आपका वोट कालावाली में ही बना हुआ है? हाँ जी, मेरा वोट कालावाली। तो आपको क्या लगता है इस बार, यहाँ पिछली बार कांग्रेस से यहाँ विधायक रहे शीशपाल कैरवाल, इस बार कांग्रेस कैसे कौन से काम करती है? बीजेपी अच्छे काम करती है। बीजेपी ने मेरा सारा कुछ कर दिया। जो राशन मिलता है ऑनलाइन कहीं से ले लो जाके। कांग्रेस ने कहाँ से दिया भाई? कांग्रेस ने कहाँ दुआया राशन? कहीं दुआया, कहीं नहीं दुआया। काला वाले के बेचारे मजदूरों के इन्होंने राशन कार्ड भी कटवा दिए। यहाँ गए एमसी जोन से गए, सब ने राशन कार्ड कटवाए। चलो मैं बताता हूँ कितने आदमी ने कटवाया राशन। वो अभी तक नहीं बने उनके राशन कार्ड। कांग्रेस कुछ नहीं करती। कांग्रेस तो कल पंप मारती, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। असल तो बीजेपी से लगाती है मैं पूरी जच के। हाँ, मोदी भाई साहब है, वो करेगा काम जो करेगा सारा। तो इस बार यहाँ राजेंद्र देसू जोधा है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो क्या वो तो हमारा साथी है भरा? हम उनको उनको साथ लेके जाएंगे ना। मैं हमारा काम कर दूँ, ये काम रोक रहे अपने, ये करवा दे वो करवाएगा जी। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि काला वाली मंडी के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और एक हमारे को एक और युवा साथी नजर आ रहे हैं। जी नाम भाई आपका? हरभजन जी। हरभजन, क्या लगता है काला वाली से ही आप? ना, गदराना से। गदराना से हैं जी। तो क्या लगता है आपको काला वाली के अंदर इस बार 5 अक्टूबर को चुनाव है, कमल का फूल या हाथ का पंजा? कमल का फूल। कमल का फूल क्यों लगता है? कमल का फूल काम का काम करते हैं। तो आप देख रहे थे गदराना गांव से हमारे साथ एक युवा साथी हैं और भी तमाम चर्चाएं होगी। हमारे साथ एक हरे चारे की टाल नजर आ रही है, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी। और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा और आज हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा काला वाली मंडी के अंदर पहुंच गई है। आइए हम काला वाली मंडी के लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी चुनावी प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोगों के साथ उनकी चुनावी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ मेरे को एक शख्स और नजर आ रहे हैं। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। नाम भाई आपका? नाम जसपाल वर्मा जी। जसपाल जी, क्या लगता है 10 साल हो गए यहाँ बीजेपी का कभी कमल का फूल नहीं खिला, इस बार क्या उम्मीद लगती है? हाँ जी, उम्मीद है क्योंकि आप देखिए, विकास देखिए, पुल बन गया है, रोड बन गया है, शहर हो गया है। काला वाली में रिश्ते नहीं होते थे, काला वाली को सुंदर बना दिया। अच्छा, रिश्ते भी नहीं होते थे? और दूर दूर से रिश्ते भी नहीं होते थे जी, अब सुंदर बन गई काला वाली। आप घूम के देखो जी, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और चारों तरफ रोड पक्के हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बरसात आएगी तो पानी आएगा, वो आधे पौने घंटे में निकल जाता है भाई पानी। तो कोई तो भाई साहब का कहना है कि काला वाली के अंदर एक रिश्ते की जो समस्या थी, अब वो भी कहीं ना कहीं हल होती दिख रही है। तो इसी के साथ भाई, आप कहाँ से हो? हम पनीवाला से। पनीवाला मोटा से? मोटा। पनीवाला मोटा में क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है, वैसे रोड वोड भी बहुत बढ़िया है, गली भी बढ़िया है, सारा कुछ बढ़िया है वहाँ पे। तो इसी के साथ एक और मेरे को भाई साहब नजर आ रहे हैं। राम राम जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कहाँ से हो जी? काला वाली या काला वाली के गांवों से? हाँ जी, काला वाली से भाई। तो काला वाली में इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको? यहाँ पिछली बार कांग्रेस से विधायक रहे, इस बार क्या रहेगी उम्मीद? इस बार बीजेपी के विधायक देसू जोधा की उम्मीद है और अच्छे हैं, सबके साथ साथ विकास है और साथ मिल रहे हैं, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस के विधायक थे, कभी कालावाली में आए नहीं है, एक भी ईंट तक काम नहीं किया है उन्होंने। अभी देसू जोधा जी कुछ काम करवा रहे हैं। शीशपाल कैरवाला कभी कालावाली आते थे? हाँ आते थे, आके 10 मिनट में वैसे मीठी गोली दे के चले जाते थे। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कि कालावाली विधानसभा के लोगों की लगातार हम प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास कर रहे हैं और इनके साथ बात कर रहे हैं। एक और हमारे को दुकान नज़र आ रही है, आइए इनके साथ भी हम इनके बीच में पहुंचकर बात करते हैं। राम राम जी। सत श्री अकाल जी। कालावाली से जी? हाँ जी, कालावाली से जी। गांव कालावाली है या जी कालावाली शहर? कालावाली। कालावाली जी। तो जी इस बार क्या लगता है आपको कालावाली के अंदर, 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो लगता है जी बीजेपी की हैट्रिक जम जाएगी? नहीं जी, नहीं, कांग्रेस की। आप क्या कहेंगे? ना, आप कांग्रेस भी नहीं आऊंगी, दोनों नहीं आऊंगा। अनैलो आऊंगी जी। अभी कांग्रेस में है, इस बार अनैलो आऊंगी जी। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कि कालावाली, कालावाली का माहौल,
एक और हमारे को कालावाली से एक शख्स नजर आए, राम राम सत श्री अकाल वीर जी। जी नाम जी अपना? अवतार सिंह भुल्लर जी। अवतार सिंह भुल्लर जी हैं। अवतार सिंह भुल्लर जी, क्या लगता है आपको कालावाली के अंदर इस बार कुछ परिवर्तन होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा जी। कैसा परिवर्तन होगा? कौन सी सरकार लगता है आपको सत्ता के अंदर इस बार अपना सिक्का जमा पाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल जी। इंडियन नेशनल लोकदल जी। इंडियन नेशनल लोकदल कालावाली के उम्मीदवार तो इंडियन नेशनल लोकदल के बनेंगे जी।